Morning friends, welcome to the channel Pooja, a journey of a homemaker. Sorry, बहुत ही लेट मैं अपलोड कर रही हूँ, पर मैं अहमदाबाद से आई ही अब भी हूँ. लाइक दो दिन ही हार्डली हुए हैं, और 10 दिन का अगर आप कहीं पर भी घूम के आते हो तो डेफिनेटली घर पे आके आपको कुछ भी करने का मन नहीं होता है. और ऑलरेडी जो आपके पेंडिंग वर्क रहते हैं वो तो होते ही है, तो वैसा भी सेम मेरे साथ भी हुआ. घर पे आते ही मैं एज़ यूजुअल घर के कामों में लग गई, और मैं आराम से व्लॉग रिलीज़ करना चाहती थी. ऐसा कुछ नहीं था मुझे कि मैं जल्दी ही कर दूँ, तो और मैं रेस्ट भी लेना चाहती थी, और मैंने ब्रेक भी लिया क्योंकि फैमिली के साथ अगर जाते हैं तो वहाँ पर मैं ज़्यादा शूट करना पसंद नहीं करती हूँ. मैं हो सके उतना टाइम उन लोगों के साथ ही स्पेंड करना चाहती हूँ. तो वही हुआ कि उस टाइम पर मैंने शूट तो कर लिया, बट मैं एडिट नहीं कर रही थी. तो एडिटिंग और सब कुछ मैंने अभी आकर ही किया है, तो आज ही मैं आप लोगों का ये वाला व्लॉग मैं रिलीज़ कर रही हूँ. तो दिवाली का व्लॉग लेट है, बट उसके लिए फिर से मैं आप सबसे माफ़ी मांग रही हूँ. और ये आप लोग मुझे देख रहे हो, पहले ही दिन ये है धनतेरस. हम सुबह ही आ गए थे, मतलब अराउंड 1:30 बजे के आसपास हम शताब्दी से निकले थे मुंबई से, तो हम 1:30 बजे के आसपास घर पे पहुंच गए थे मेरे ससुराल में. और वहाँ पर जाके हमने आराम से लंच किया, और फिर दोपहर को हमने आराम किया, कम्प्लीट रेस्ट. और शाम को ही फिर हम इधर आने के लिए निकले मम्मी पापा के घर के लिए, तो इधर आए हैं. और धनतेरस के दिन है तो पूजा रहती है घर में करने की, तो पर मुहूर्त कुछ इस तरह से थे इस बार कि सारे मुहूर्त लेट थे. लाइक मेरे ससुराल में भी हम लोग काफ़ी लेट ही पूजा करने वाले थे 9:30 के बाद. तो पहले हमने सोचा इधर आके मम्मी पापा से मिल लेते हैं, और फिर रात को वापस से ससुराल जाके वहाँ पर हम पूजा करेंगे. तो वही हम इधर कर रहे हैं. हम आए थे और तुरंत ही मम्मी ने चाय रखी, और बस हम इधर हमारी गपशप चल रही है. इतने दिनों के बाद मिलते हैं तो इतनी सारी बातें होती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है. तो वही हम चाय के साथ सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं. और आर्यन ने अपना पूरा खजाना खोल दिया है नाना के घर पे आके. जो भी उसकी चीज़ें रहती है वो सारी उसने निकाल के रख दी है. तो यही है मेरा पहला दिन धनतेरस का, जो कि हमने अहमदाबाद में स्पेंड किया हमारे फैमिली के साथ, दोनों फैमिली के साथ. और सही में मैं दिवाली पे बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करके आई हूँ. और दिवाली होती ही फैमिली के लिए है, मैं ऐसा मानती हूँ. बाकी पूरे साल हम कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं, पर दिवाली हो सके उतना मैं मानती हूँ कि हमको फैमिली के साथ ही गुजारनी चाहिए. आप लोग सोचोगे कि ससुराल में सुबह शाम को वापस से मायके में, रात को वापस से ससुराल में, ऐसा कैसे पॉसिबल है? पर मेरा ससुराल और मायका दोनों ही बहुत ही नज़दीक है, विदिन 5-10 मिनट्स के डिस्टेंस पर ही है. तो मैं जब भी अहमदाबाद जाती हूँ मेरा एक पैर इधर ससुराल में रहता है और एक पैर मायके में रहता है. और मेरे जैसे आप लोग में भी बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा ही करते होंगे. धनतेरस का पहला दिन है, और पहले दिन मम्मी ने बनाई है लापसी, जो कि पूजा के टाइम पर वो लोग भगवान को चढ़ाते हैं. और इधर दिए भी सारे उसने रेडी करके रखे हैं, तो बस अभी सारे दिए हम लगाएंगे बाहर, रोशनी करेंगे, और फिर मैं जाऊंगी ससुराल में. इधर मैं मम्मी पापा के लिए जो गिफ्ट लाई हूँ वो उनको दे रही हूँ. इधर हूँ मैं हूँ मेरे मम्मी पापा के घर पे अभी, तो आप लोगों को सैर कराती हूँ. उनके घर का जो भी काम था लास्ट टाइम का पेंडिंग वो सारा हो गया है, और अब भी जस्ट हम इधर आए हैं. सुबह से मेरे ससुराल में ही थे, थोड़ा रेस्ट करके अभी आए हैं, और आज है धनतेरस, तो मिलना तो बनता ही है सबसे. ये लोग इधर फ्लैट में रहते हैं, 2 BHK है. प्रसाद, ये रहे मेरे पापा. आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में. आर्यन छुप गया है बाहर बालकनी में, और वो अपना काम कर रहा है, पटाखे चला रहा है. तो लास्ट टाइम तो मैं आई थी, बट उतना पॉसिबल ही नहीं था कि मैं इधर का कुछ शूट कर पाऊँ.
और इधर मम्मी एज यूजुअल किचन में, सबकी मम्मियों का यही हाल होता है, चाहे कुछ भी हो वो लोग किचन में ही होते हैं। और अभी क्या बन रहा है, बेडरूम है। क्या बन रहा है? लापसी, लापसी बना रही है। धनतेरस के दिन हमारे घर पे जब भी इधर पूजा होती है तो इधर लापसी ही बनती है, वो नियम है और सालों से बनती आ रही है, वही पूजा में कराते हैं। तो ये बन गई है लापसी और आप देख सकते हो उसने कितनी सारी बनाई है। तो पूरा इधर किचन का भी काम कंप्लीट हो गया है और घर एकदम ही नया नया लुक आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी बहुत डेकोरेशन की चीजें हैं जो कि वो लोग नहीं लाए हैं, तो वो देखूंगी, मेरे पास टाइम रहा तो हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने। मेरे ससुराल में अभी पूजा बाकी है, वो हम लोग रात को ही करने वाले हैं, तो इधर से जाके फिर हम लोग करेंगे वहां पर पूजा। और अभी थोड़ा मणिनगर का भी मुझे काम है, मतलब इधर मणिनगर करके एक एरिया है जहाँ शॉपिंग के लिए बोलते हैं, शॉपिंग एरिया ही है पूरा, तो वहां भी मुझे जाना है। अभी पानी पूरी भी खानी है, गोलगप्पे खाने हैं, जो कि मैं लास्ट टाइम रह गया था मेरा खाने का, तो आज तो मैं खा के ही रहूंगी। तो जो लोग मुझे जानते हैं और जो लोग पानी पूरी के लिए ज्यादा उनको प्यार है, उनके लिए खास मैं पानी पूरी वाला शूट करने वाली हूँ। इधर हम आ गए हैं मेरे ससुराल में वापस, और मेरे ससुर जो है वो भी बड़ौदा से वापस आ गए हैं, तो अभी बस टाइम हो गया है पूजा करने का, 9:30 से ज़्यादा ही हो गए हैं अभी, और मुहूर्त जो था वो 9:30 के बाद का ही था, तो अभी हम लोग बस इधर पूजा शुरू करती है प्रसाद में, और बाद में हम लोग लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। और इस बार की जो दिवाली है वो मेरे देवर की आखिरी दिवाली है इंडिया में, क्योंकि उसको पीआर मिल चुका है और वो जा रहा है कनाडा, तो आगे मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी वो कब जा रहा है, बट इस बार की दिवाली उसके लिए तो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि इंडिया में वो फैमिली के साथ लास्ट दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है, तो हम लोग सब खुश है उसके लिए और विश कर रहे हैं कि उसकी आगे की भी सारी दिवाली अच्छी ही जाए, वो जहाँ पर भी जाए अच्छे से रहे, और वो जिस चीज के लिए जा रहा है वो चीज में उसको बहुत सारी सक्सेस मिले। पूजा करने के बाद हम लोग सब बस ऐसे ही बातें करने के लिए बैठे हैं, और दिवाली रहती है तो सारे घरों में कुछ अलग ही माहौल रहता है, सब जगह रोशनी, दिए, फैमिली, पटाखे, तो वैसा भी इधर भी है कि आर्यन थोड़े बहुत अभी पटाखे जलाएगा और हम लोग सब आराम से बैठेंगे और फिर जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी ही उठे हैं घर से, मुंबई से निकले हैं, तो और इधर मेरा देवर जो है आज उसकी ड्यूटी है किचन में, तो वो अभी बना रहा है मैगी, तो अभी वो और आर्यन मैगी एंजॉय करेंगे। इधर मैगी बन के रेडी है और दोनों अभी मैगी का लुफ्त उठा रहे हैं। रात के बजे हैं 10:20, ऑलमोस्ट 10:20 होने को आई है, पर मैगी एक ऐसी चीज़ है कि कोई आधी रात को भी अगर आपको उठा के बोले कि मैगी खानी है तो मैं तो खा लूँ, क्योंकि हम लोग सब मैगी लवर्स है और मेरे घर में सबको मैगी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और आज बनाई है मेरे देवर प्रतीक ने, तो आज प्रतीक स्पेशल मैगी थी जो कि उसको साथ देने बैठा है आर्यन, और आर्यन को भी आप कभी भी मैगी दे दो वो खा लेगा।
ये है बाहर का लाइटिंग हमारे घर का, ये वाली जो सीरीज है वो इधर लगाने के लिए मैंने ही आइडिया दिया था मेरी सास को कि हम इधर ऊपर पूरा झूले के ऊपर से लगाते हैं, और ये सही में बहुत ही अच्छा लग रहा था। दिवाली में तो बस रोशनी रोशनी रोशनी, और मुझे तो रोशनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आज है 14 नरक एकादशी, काली 14 हम लोग बोलते हैं, और दिवाली का दूसरा दिन। और बस अभी जस्ट सुबह सुबह उठ के अच्छे से फ्रेश होके बैठी हूँ, और आज मेरा रूटीन है, प्लान जो है, रूटीन तो नहीं बोल सकते बट आज का जो प्रोग्राम है वो है बाहर जाएंगे, थोड़ा शॉपिंग करेंगे, और अभी सबसे पहले मुझे इधर रंगोली भी बनानी है, पर अभी नाश्ता भी बाकी है हमारा, तो बस नाश्ता करेंगे फिर मैं रंगोली करूँगी, फिर अराउंड 1 बजे के आसपास मैं मेरे मॉम डैड के घर पे जाऊँगी, और वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के बाद रात को सब लोग इकट्ठा होके डिनर के लिए जाएंगे, तो बस सबका वही प्लान है, इकट्ठा होके घूमेंगे। और कल का भी ऐसा ही है, कल तो दिवाली है तो कल हम लंच के लिए बाहर जा रहे हैं, डिनर के लिए नहीं, तो वैसा ही है अभी। और सुबह सुबह बस इधर बैठी हूँ, अच्छी वाली छाँव है, और आर्यन एज यूजुअल पटाखे चला रहा है। सुनबाईंची गिफ्ट आहे सासूबाईंसाठी, अगोबाई सासूबाई अभी आप लोगों ने जो सुना तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी सास ने जो अभी बोला टी केटल के बारे में बोला, वो हम लोगों ने उनको गिफ्ट किया है इस बार दिवाली पे, जो आपने पिछले क्लिपिंग में देखा था कि मेरी मम्मी को भी मैं गिफ्ट दे रही थी, तो सबके लिए हम सेम ही लाए थे, सेम आइटम ही थी। और इधर हमारी तैयारी हो चुकी है नाश्ते की, एज यूजुअल गुजरात का नाश्ता। अच्छे से नाश्ता करने के बाद मैं तुरंत ही लग गई रंगोली करने के लिए, अराउंड 11 तो बज ही गए थे, तो बस मेरे पास बहुत ही कम टाइम था, और फिर भी मेरा अराउंड 3 से 4 घंटा गया ये वाली रंगोली बनाने में, तो पर अच्छा लगता है मुझे, पहले से रंगोली बनाना पसंद है। जब मैं मेरे मम्मी पापा के घर पे थी शादी से पहले, तब वहाँ पर भी मैं हमेशा रंगोली बनाती थी, तो बीच बीच में काफ़ी सालों में नहीं बना पाई जब मैं बाहर थी, पर जब भी अभी मैं गुजरात आती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं रंगोली बनाऊँ, और इस बार भी वही प्लान था। ये मेरा लास्ट चीज है, जो कि रंगोली मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और अभी आप देख सकते हो धूप काफ़ी सर पे आ गई है, तो अभी बज रहे थे 2:00 और काफ़ी टाइम मेरा चला गया क्योंकि मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं है रंगोली बनाने की रेगुलर, जैसे सब लोग इजीली बना देते हैं उतनी मुझे प्रैक्टिस नहीं है, तो मुझे काफ़ी टाइम लगता है रंगोली बनाने में, तो वही हुआ, बट फाइनली मैंने कंप्लीट कर ली, जो कि जैसे मुझे बनानी थी वैसे ही मैंने बना के रखी, तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इस वाली रंगोली से, और घर में भी सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो ये है मेरा फाइनल टच रंगोली का। फाइनली रंगोली मेरी रेडी है, और मैंने थोड़ी सी उसको सजाई है फूलों से, और रात को यही रंगोली के आसपास मैंने दिए भी रखे हैं। रंगोली मैंने अराउंड 2:30 के आसपास कंप्लीट की थी, और अभी आप सामने देख सकते हो, शायद ही आपको दिखेगा घड़ी में बज रहे हैं 5:20, और अभी आए हैं मॉम डैड इधर मेरे ससुराल में, वो बोलते ना कि दिवाली में ससुराल में मिठाई देने आने का रही बनता है, तो वो लोग भी मिठाई देने के लिए इधर आए हैं, बधाई देने के लिए आए हैं दिवाली की, तो वो लोग अराउंड 3:30 को आए थे, तो हम लोग सब आराम से बैठे चाय नाश्ता किया, और फिर अभी हम रेडी हो रहे हैं टर्न बाय टर्न, और फिर अभी हम निकलेंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए। उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला था थोड़ा शॉपिंग का प्लान है, तो शॉपिंग भी करेंगे और उसके बाद जाएंगे वहीं से डायरेक्टली डिनर के लिए,
और प्लान ऐसा बना कि अभी सब लोग साथ में ही निकल रहे हैं, सब साथ में ही जा रहे हैं शॉपिंग के लिए भी। और दिवाली में ऐसा ही होता है, सब साथ में ही घूमते हैं, साथ में ही खाना खाते हैं। और हमारा तो यही रहता है कि हम मोस्टली दिन में एक बार तो सब साथ में ही होते हैं दोनों फैमिलीज। तो इस बार भी वैसा ही था कि वो लोग अभी इधर आए, आराम से हम लोग ने टाइम स्पेंड किया। और अभी ये आर्यन ऊपर से आ गया है रेडी होके, और उसने अपने नई वाली टी शर्ट और जीन्स पहने हैं, तो बस सब लोग उसके तारीफ कर रहे हैं। और बच्चों की अगर आप थोड़ी सी भी तारीफ कर लो तो वो तो हवा में उड़ने ही लगते हैं। तो वैसा ही इधर हो रहा है कि उसकी दादी भी है और उसके नानी नाना भी है तारीफ के लिए, तो वही वो बटोर रहा है सारी तारीफें और सब दिखा रहा है कि नया जीन्स लिया, नई टी शर्ट्स ली। कई बार मुझे याद आता है कि जब हम लोग भी छोटे थे तब हम लोग भी ऐसा ही करते थे, दिवाली पे मम्मी पापा नए नए कपड़े लाके देते थे। पर उस टाइम पर कपड़े हम थोड़े लिमिटेड लाते थे, या तो जन्मदिन पे आ गए कपड़े या तो फिर दिवाली पे आते थे। पर अभी के जनरेशन में लाइक अभी ऐसा ज़रा भी नहीं है, अभी हम कभी भी कपड़े लेते हैं, कभी भी ऐसा नहीं है कि बस दिवाली पर ही शॉपिंग होगी। अभी मोस्टली महीने में एक बार तो शॉपिंग हो ही जाती है, तो उतना उनको क्रेज़ नहीं रहता है नए कपड़ों का। बट फिर भी ये वाली टी शर्ट उसके लिए स्पेशल है क्योंकि ये अभी नई निकली है, बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, रिवर्सिबल है, आगे का जो पिक्चर रहता है वो मल्टी कलर में चेंज होता है, तो उसके लिए बहुत ही स्पेशल है ये टी शर्ट। हम आए हैं अभी यंकी सिजलर में, जो कि अहमदाबाद का फेमस सिजलर का आउटलेट्स है अहमदाबाद में, जो दो जगह पर है। और ये हम आए हैं अभी सरखेज हाईवे वाले आउटलेट पे। तो अभी कैसा सिजलर है वो मैंने तो नहीं खाया, बट बहुत सारे रिव्यूज सुने हैं कि बहुत ही अच्छा है, तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ, आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि कैसा है। और हम सब आए हैं, पापा है, आर्यन है, आई है और बाकी सब लोग भी आ रहे हैं, तो सब लोग हम अभी सिजलर खाने वाले हैं। हमने तीन सिजलर ऑर्डर किए थे, एक था चाइना टाउन, एक था मैक्सिकन और एक था यंकी स्पेशल सिजलर, और तीनों ही काफ़ी डिफरेंट थे और काफ़ी अच्छी वाली वैरायटी हमको मिली। टेस्ट में तो काफ़ी बेस्ट था, तो मैं 5 out of 5 देती हूँ यंकी सिजलर को। और ये वाली जो ब्रांच है उनका जो आउटलेट है सरखेज हाईवे पर है, जो लोग अहमदाबाद में रहते हैं उनको तो शायद तक पता ही होगा, पर जो नहीं गए हो डेफिनेटली आप अगर अहमदाबाद जा रहे हो तो प्लीज़ ये वाली सिजलर को ट्राई कीजिएगा। बहुत सारी वैरायटी मिलेगी सिजलर में और टेस्ट में तो बेस्ट है। हम लोग शॉपिंग के लिए भी गए थे बट शॉपिंग में उतना मज़ा नहीं आया, और मुंबई की कंपैरिजन में तो अच्छा नहीं था शॉपिंग। सिजलर सारे अभी आ गए हैं, एक सिजलर बाकी है और हमने मंगवाया है यंकी स्पेशल सिजलर, और जो बाकी है वो है चाइना टाउन वाला। तो अभी टेस्ट में कैसा है मैं आपको खा के बताती हूँ कि कैसा है। प्रसाद, हाउ वाज इट? इट्स गुड। ये वाला लास्ट सिजलर है जो कि चाइना टाउन वाला है, और चाइनीज जिसको पसंद है उनके लिए तो ये काफ़ी प्रेफरेबल है। और जो मॉम डैड है, मेरे सास ससुर है, वो लोग भी कभी अकेले ऐसे जाते नहीं है ये सारी रेस्टोरेंट में, तो उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया सिजलर। अच्छा वाला खाना खाने के बाद डेजर्ट भी अच्छा ही होना चाहिए, और वैसा ही हमने किया, डेजर्ट भी हमने इधर ही ऑर्डर किया था। और ये है हॉट चॉकलेट ब्राउनी, और साथ ही में हमने ऑर्डर किया था फालूदा, और दोनों ही चीज़ें बेस्ट थी। तो बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने दूसरा दिन स्पेंड किया फैमिली के साथ।